हेलो गाइस, कैसे हो? जीमो एक और न्यू वीडियो पे आप सभी का फिर स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको पबजी मोबाइल गेम लूप के ऊपर कुछ जो 2.7 वाला जो अपडेट है उसमें बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है इवेंट वगैरह में, ठीक है? तो आज हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले गाइस, मैंने जो प्रीवियस वीडियो छोड़ा था पीसी को कैसे ऑप्टिमाइज करें उसको दोस्तों आपको ज़रूर देखना है। उसी से दोस्तों आपका 80 से 90% जो लैग है उससे फिक्स होगा, 10% मैं इधर से फिक्स करूंगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना 3 लाइन पे, चले जाना है अपडेट पे, चेकिंग फॉर अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं आया तो ठीक है, अगर आ गया तो कर लेना है, ठीक है? और गाइज, जो लॉग इन वगैरह की मसली थी, जो अपडेट नहीं हुआ था, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा गाइज, थोड़ा वेट करो। और गाइज, आपके लिए एक सरप्राइज है, थोड़ी देर में बात बताता हूँ। तो उसके बाद चले जाना सेटिंग्स पे, इधर पे दोस्तों बेसिक पे दोस्तों तीनों को अनचेक रखना है। लैंग्वेज अपनी हिसाब से रख लो, कंट्री वगैरह आपके हिसाब से रख लो। अगर अपने कंट्री शो नहीं होता तो आप सिंपली बस यूएस रख देना इधर से, ओके? मॉडल पे दोस्तों हमेशा अगर आपके पास एक लो एंड सीपीयू है, जैसे मेरे पास i5 4th जनरेशन है या फिर ड्यूल कोर है, 2 कोर वाला सीपीयू है, तो अपन जो क्या करेंगे डेफिनेटली ऑटो पे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास Ryzen 5 3600 5600 कुछ भी है 6 कोर वाला सीपीयू, तब आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हो, आपकी ऊपर है। लेकिन मैं आपको फिर भी वही रिकमेंड करूँगा ऑटो पे, ठीक? OpenGL गाइस, देखो एक हाई एंड सिस्टम के लिए होता है OpenGL, ठीक है? तो ऑटो इज़ अ बेस्ट फॉलो एंड पीसी। उसका दोस्तों इधर पाँचों जितने भी शो होगा आपको टिक करना है। वर्टिकल सीन दोस्तों, एक और चीज़ जो लोग गाइज देखो यूट्यूब पे छोड़ते, 90 FPS मिल जाएगा। गाइज, आपके पास 60 Hz का डिस्प्ले है तो 90 FPS कैसे मिलेगा, है ना? थोड़ा दिमाग भी तो लगाया करो यार। अगर आपके पास एक 60 Hz का डिस्प्ले मिनिमम, देखो दिखा देता हूँ, अगर आपके पास एक 60 Hz का डिस्प्ले है, देखो 32 बिट 60 Hz का अगर डिस्प्ले है तो आपको 90 FPS कैसे मिलेगा? कंपनी वाले तो ऐसे ही 90 FPS का मोनिटर निकाल रहे हैं, तो आपको 60 FPS Hz पर अगर 90 FPS मिल जाता तो क्या फ़ायदा होगा, है ना गाइस? तो ऐसा नहीं होगा, 90 FPS आपको शो करेगा लेकिन आपको फील जैसा आएगा, 30 FPS के जैसा भी फील नहीं आएगा। मैंने खुद ट्राई किया, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था आप ट्राई करो भाई, तो ट्राई किया गाइस, 60 FPS पर गाइस मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? अगर 60 Hz का डिस्प्ले तो आप 60 Hz पे खेलो, बेस्ट इन द बेस्ट होगा गाइस। तो दोस्तों पाँचों पैंटिक चेक रखना है, इन दोनों का चेक रखना है। एंटीलेशन दोस्तों आपको ऑफ रखना है, मेमोरी दोस्तों हमेशा की तरह ऑटोमेटिक, प्रोसेसर भी दोस्तों ऑटोमेटिक हाफ फुल, कुछ देने की कोशिश नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं जो सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, इस सेटिंग्स के इस ये फायदे है कि आप गेम खेलते खेलते आप गेम रिकॉर्ड भी कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पर बात भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं सिर्फ गेम दिखाते हैं, लेकिन मेरा गेम के साथ डिस्कॉर्ड भी चलता है और कुछ दिन बाद मैं ओबीएस से लाइव स्ट्रीम भी करूंगा इसी पीसी से अपनी यूट्यूब पे। तो पेज को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। रिजोल्यूशन गाइस सबसे लो पर मैंने रखा है, ठीक है? ताकि अपनी रेंडरिंग में थोड़ा दिक्कत कम हो, बाकी आपकी मर्जी, आप यही रखना। डीपीआई दोस्तों मैंने 240 रखा है, ठीक है? मॉडल पे दोस्तों एज यूजुअल आसुस ROG 2, ऐसे क्लिक करेंगे तो आसुस ROG 20 सिलेक्ट हो जाएगा। गेम दोस्तों आपको HD 720p रखना है, ठीक है? अगर आपके पास एक 1080p मॉनिटर है, ठीक है, 1080p मॉनिटर है और GTX 660 यानी 750 Ti 1050 Ti जैसा GPU है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। 720 के मुकाबले आपको ये ज़्यादा FPS निकाल के देगा और बुलेट रजिस्टर भी अच्छी होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक 720 वाला डिस्प्ले और GPU तो 1650 है, लेकिन मेरा डिस्प्ले जो है 1080p नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लैगी लैगी सा फील होता है, इसलिए मैंने 720 किया। आप भी 720 करना है, अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है और मिड एंड हाई एंड पीसी हो तो आप चेक कर लेना। अगर आपको 1080 हो तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ग्राफिक्स दोस्तों स्मूथ और HD होगा, ठीक है? अगर आप इधर पे 1080p करोगे तो आपको इधर पे HD कर लेना है, ठीक है? तब आप उसका फील पा ले पाओगे और GPU भी लोड आएगा आपका। मैंने इसका अलग वीडियो भी बना रखा है, इधर आई बटन पे आता रहेगा, देख लेना, ठीक है? इस वीडियो में बात कर रहा हूँ लो एंड पीसी के लिए, तो HD 720p स्मूथ और 60, ठीक है? इसको करने के बाद इसको सेव कर देना है, इसको रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद जब आप गेम ओपन करोगे तो इधर पे जो ओपन पे एक बार क्लिक करके इसको कर देना है क्लोज, ठीक है? क्लोज करने के बाद इधर से कर देना है क्विट, ठीक है? तो हम चलते हैं गेम के अंदर। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपनी गेम के अंदर, देख लो, ठीक है? आप इधर एक सेकेंड में FPS ऑन करके देता हूँ, अभी आप FPS नोटिस कर लेना, ठीक है इधर, ठीक है गाइज? और इन गेम सेटिंग्स दोस्तों देख लो, लॉबी दोस्तों मैंने एक स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलता हूँ, 90 FPS नहीं किया क्योंकि फिर से वही बात, 60 Hz का डिस्प्ले है मेरे पास। कॉम्बैक को भी दोस्तों सेम स्मूथ एक्सट्रीम, कलरफुल, एंटीलेशन क्लोज, ऑटो ग्राफिक्स डिसेबल्ड, ठीक है? और अगर उस मतलब एमुलेटर के अंदर आप 1080p करोगे, ठीक है, जो HD 1080p है, तो आप इधर तक HD तक जा सकते हो,
एक्सट्रीम एचडीआर कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप लॉबी में भी कुछ भी रखो, लेकिन कॉम्बैक में दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलो ताकि सबसे बेस्ट स्मूथनेस मिले, ठीक है आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। हेल्प हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और गेम प्ले को इंजॉय करो, और मिलते हैं किसी और दिन और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।